बेड़ेश्वर धाम पर पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अमर्यादित टिप्पणी पर सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन, सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की उठी मांग। रावण के प्रयागराज बेड़ेश्वर धाम पर हिंदू समाज जन के साथ अभद्र व्यवहार कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज लामबंद हुआ, जहाँ सर्व समाज ने व्यक्ति विशेष द्वारा हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने सहित जनजाति वर्ग के लोगों को उकसाकर उन्हें भ्रमित कर क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर नाराजगी जाहिर कर दिया। आक्रोश व्यक्त करते हुए साबला सर्व समाज ने साबला उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार धाकड़ को खानन में सरकारी शिक्षक के तौर पर कार्यरत मयाला निवासी दिनेश मीणा नामक युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए महकमे से निलंबित किए जाने की मांग की। साथ ही क्षेत्र में शांति को भंग करने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर साबला सर्व समाज के लोग भी मौजूद रहे। आदिवासी महाकुंभ बेड़ेश्वर धाम के आबूदरा घाट पर आदिवासी समाज जनों से अवैध वसूली कर लूटपाट करने वाले मुख्य आरोपी कल्पेश सेवक व रितेश सेवक पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर आदिवासी समाज को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि आदिवासी महाकुंभ बेड़ेश्वर धाम पर अस्थि विसर्जन करने आने वाले आदिवासी समाज के लोगों से कुछ पंडितों द्वारा अनैतिक तरीके से डरा धमका कर जबरदस्ती भावनाओं के साथ खेलकर लूटा जा रहा है। आदिवासी समाज जन को न्याय की मांग है। इस अवसर पर उदय लाल मीना, दिनेश चंद्र, मनोज, भरत लाल, रमेश सहित समस्त आदिवासी समाज मौजूद रहा। कुटाला का धुआं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग हमारे बेड़ेश्वर में सालों से पूजा कर रहे हैं, इन लोगों को किसी राजनीतिक विद्वेष से अपने एक खास मकसद से एक क्षेत्र की सामाजिक समरसता को खंडित किया जा रहा है। और क्षेत्र में जो हमारे जनजाति समाज के लोग और सभी समाजों के लोग, सभी 36 कौम एक मिलजुल के रहती है, और जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, उस सौहार्द को खत्म करने के लिए एक ये षड्यंत्र है, ये वामपंथी षड्यंत्र है, और ये हमारे बोले भले जो जनजाति समाज के लोग हों उनको बहकाया जा रहा है। ये फंडिंग हो रही है इसकी, और ये एक साजिश है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों को दंडित किया जाए, और ये जो लोग हमारे बेड़ेश्वर में पूजा पाठ कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया जाए। घाट पर कल व्यक्ति शिक्षक द्वारा पूजा पाठ में जो व्यक्ति पूजा करते हैं उनको व्यक्तिगत अपमानित किया गया, और काफी अमर्यादित भाषा में बात की गई, वायरल हुआ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में अभी SP साहब के द्वारा बताया गया है कि उसमें रिपोर्ट लेकर के प्रकरण दर्ज करके आगे जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई बनती है।